हेलो दोस्तों, मैं रोहित अपने एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि पिछले 8 से 9 दिनों से मेरी एक भी वीडियोस नहीं आई हैं। तो जी हां, ये बात सही है। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अभी सब कुछ फिक्स हो गया है, तो अब आपको पहले की तरह वीडियोस मिलती रहेंगी। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार ये सही टाइम है सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को जानवर बेहद पसंद होंगे, और हो सकता है आपके भी घर में कोई ना कोई पालतू जानवर हो। ये जानवर इतने मासूम होते हैं कि लगता है कुदरत ने इन्हें ही सारी मासूमियत दे दी है। इन भोले भाले और चटकीले रंगों के इन जानवरों को देखकर लगता है मानो यह तो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, इन मासूम से दिखने वाले जानवरों में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिन्हें छूने मात्र से ही आपकी मौत हो सकती है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्यूट बट खतरनाक जानवरों के बारे में जानने वाले हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। लेपर्ड सील। ये लेपर्ड सील दिखने में आपको इतने क्यूट और मासूम लग सकते हैं कि पहली नज़र में आपको इनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो सकता है कि यह जानवर आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लेपर्ड सील पानी के अंदर किसी चीते की रफ्तार से हमला कर सकते हैं। लेपर्ड सील के द्वारा अब तक कई रिसर्चर्स और कई साइंटिस्ट के ऊपर हमला करने और उन्हें गंभीर रूप से जख्मी करने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। जाइंट एंट ईटर। अब मैले कुचैले और लंबी नाक वाले ट्यूबनुमा इस जानवर को पहली नज़र में देखने पर आपको यह किसी सॉफ्ट टॉय की तरह लग सकता है, लेकिन ज़रा इसके इस लंबे नाखूनों को देख लीजिए। अपने इन बड़े पंजों से समानतः यह खाने की खोज करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यह अपने इन लंबे पंजों से अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर गलती से अगर आपके ऊपर इसने हमला कर दिया तो यह आपको काफी गंभीर रूप से घायल कर सकता है। तस्मानियन डेविल। विशाल भालू के इस बौने वर्जन को देखकर कोई भी इन्हें खतरनाक नहीं समझेगा, और ज़्यादातर लोग इसके इस छोटे से आकार की वजह से इसकी आक्रामकता और इसकी दहाड़ने जैसी हरकतों को भी मजाक में ले सकते हैं। लेकिन तस्मानियन डेविल के इस नाम में डेविल नाम का होना बस इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तस्मानियन डेविल अपने खतरनाक जबड़ों से किसी वयस्क इंसान को बुरी तरह से घायल कर सकता है, और ऐसी घटनाएँ कई बार रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। पांडा। अब इस जानवर को देखने के बाद किसी को भी इसे छूने और प्यार करने का मन कर सकता है, क्योंकि पांडा वाकई में बहुत क्यूट होते हैं और आमतौर पर यह बेहद ही शांतिप्रिय जानवर लगते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब बेहद ही मासूम से दिखने वाले पांडा बहुत ही संवेदनशील जानवर हैं, और यह अपने खाने और अपने इलाके को लेकर बहुत ही आक्रामक होते हैं। खाने की खोज में अक्सर पांडा बहुत दूर निकल आते हैं, और अगर इस बीच वो किसी जानवर या किसी इंसान को देख ले तो यह उन पर हमला भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी पांडा से मिले तो उसे हक करने के बजाय आपको वहां से सबसे पहले बिना किसी रुकावट के फुर्सत में निकल। पफर फिश। दिखने में अब यह मछली बेहद ही खूबसूरत और शांतिप्रिय दिख रही होगी, जैसे मानो इनसे किसी को भी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। लेकिन वास्तव में इस पफर फिश को दुनिया के दूसरे सबसे विषैले जीव का दर्जा मिला हुआ है। इसका जहर साइनाइड से लगभग 1200 गुना ज्यादा खतरनाक है, जो किसी भी इंसान को महज चंद सेकंड में खत्म करने का मादा रखता है। लेकिन इतना जहरीला होने के बावजूद भी जापान में इस मछली को खाया जाता है, और आपको बता दें कि इस मछली को खाने से अब तक 800 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन फिर भी आज भी जापान में यह मछली बहुत ही लोकप्रिय और महंगे भोजन की लिस्ट में नंबर 1 पे है। इस मछली को रेस्टोरेंट में बनाने के लिए यहाँ पर एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है,
और इसको पकाने वाले शेफ को 2 साल की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, जो कि जापानी सरकार के द्वारा इनको दिया जाता है। स्लो लॉरिस। इंडोनेशिया में पाए जाने वाला यह बेहद ही खूबसूरत जीव वाकई में बहुत क्यूट और शांतिप्रिय लगते हैं। इनकी ये बड़ी बड़ी आँखें और रोएदार त्वचा किसी भी पशु प्रेमी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। वैसे तो यह शांत स्वभाव वाले जानवर हैं, लेकिन यह सुंदर और शांत दिखने वाला जीव जरूरत पड़ने पर बड़ी ही आसानी से किसी भी इंसान की जान ले सकता है। दरअसल अगर इनके करीब कोई भी जीव आता है या इंसान आते हैं, तो यह अपने आप को काफ़ी सतर्क और डरा हुआ पाते हैं और अपने इस डर की वजह से कई बार यह इंसानों पर हमला कर देते हैं। अन्य जानवरों के विपरीत इनकी हथेलियों में एक विष की थैली होती है और जब ये जीव किसी पर हमला करते हैं तो यह अपना वह जहर अपने मुंह में लाते हैं, जिसके कारण इनका जहर इंसानों के शरीर में प्रवेश कर जाता है और एनिफिलेप्टिक शॉक की वजह से कई बार इंसानों की जान भी चली जाती है। अब यह जीव अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कई बार अपने जहर को पूरे शरीर में मल लेता है, ताकि अगर कोई शिकारी इन पर अटैक करे तो इसके जहर की चपेट में आकर खुद शिकारी ही इनका शिकार बन जाए। सो फ्रेंड, इन जानवरों में से सबसे खतरनाक और सबसे क्यूट जानवर आपको कौन सा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो इसे लाइक तो यार कर ही दीजिए, साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ अनोखा जानने को मिले। तो अब आपसे मुलाकात होगी अपने किसी नए इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मैं रोहित लेता हूं आपसे इजाजत।